गाइज लिटरली लिटरली अभी 3 बजे हैं रात को। अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकता अभी क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है क्लास 11th का फिजिक्स का, जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन ले ही आया हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ओके। तो ये रहा, एक सेकंड आप लोग देख लीजिए, ये रहा ना आपका प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान है ना, विषय भौतिक विज्ञान, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल। अब इसके पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 1 mu बराबर होता है 1 degree बराबर होता है, संख्या है इसका भी सार्थक अंक लिखने हो इसका विमीय रूप का सही संबंध है। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको ये मिलेंगे, ओके। ये लिख लीजिए, ये है सही विकल्प, देख सकते हैं ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों मिला के दिए गए हैं उसमें। तो ये रहे आपके 5ों के, फर्स्ट का ये दिया गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं अपन लोग रिक्त स्थान पे। तो रिक्त स्थान में अपन को क्या कह रहा है, आराम से निकालते जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ी भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 centimeter भुजा वाले घन का आयतन m³ के बराबर है, वो बताना है। कोई गाड़ी 18 kilometer की चाल से चल रही है तो 1 second में कितने मीटर चलेगी, 1 kilogram meter square सेकेंड माइनस 2 और जी सेंटीमीटर पर स्क्वायर एस, ठीक है। ग्रह तारों आदि की दूरियां बतानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम लगा है इसको सर्च करने में, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान रहे 5, ओके, आप लोग टिक कर लीजिए गाइस। और मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल खोला है, और ये वीडियो देखो सुबह 7 बजे अपलोड होगी, मैंने शेड्यूल पे लगा दूंगा मैं 7 बजे के। अभी बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ तो अभी तो अपलोड करूँगा भी नहीं, और रात को देखेगा भी कोई नहीं बच्चा, ठीक है। तो 7 बजे अपलोड में लगा दूंगा, और 7 ही बजे या 10 बजे तक हमारा ब्लॉग आ जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ पर सपोर्ट करना, सोचिए कि सर को वहाँ पर भी सपोर्ट कर देना, ठीक है। और उधर पे आपको सब पता चलता रहेगा, अपनी मतलब लाइफ स्टाइल वगैरह कुछ भी, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए गाइस। सबसे पहले एक बात बता दें कि आपको कहीं पे भी मतलब आपको मिला है, मतलब यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला ना, तो काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर सॉल्यूशन लाइए, तो लाना पड़ा, ओके। तो फर्स्ट है पार्श्विक किस राशि का मात्रक है, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है। अब इसको देखना, एक वाक्य में अंतर लिखना, उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए नहीं है, तो अपन लोग वाक्य शब्द दोनों यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये रहे हमारा पहला है दूरी, दूसरा आप लोग देख सकते हैं इधर पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप तथा प्रेक्षक द्वारा की गई वास्तविक माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या है, किसी राशि के विभिन्न परीक्षणों की मध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि का कि वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फोर्थ क्या है, लंबन विधि यानी कि पैरेलैक्स मेथड, जो ग्रह तारों का मापन किया जा सकता है जिनसे उन्हें लंबन विधि कहते हैं। इसका हो जाएगा पार्सेक, इसका विमी सूत्र लिखना था अपन को, ML2T-2 1 nanometer बराबर कितना होता है 0.00001, ठीक है, 8 बार 0 फिर 1। फिर आ जाते हैं अपन लोग लघु उत्तरी क्वेश्चन पे, मैं दिखा देता हूँ लघु उत्तरी क्वेश्चन कौन से होते हैं। ये रहे जहाँ पे SI मात्रक पद्धति की सभी मूल राशि एवं इनके मात्रक लिखना है, तो यहाँ से आप लोगों को ये रहे, ओके। तो आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन तो मतलब बनना ही चाहिए, लंबाई बराबर मीटर, द्रव्यमान बराबर किलोग्राम, समय बराबर सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, जी तो बिल्कुल मतलब आपका फर्स्ट लेक्चर होता है ना जो फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर तो वैसे भी उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को, सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, ओके। तो आप लोग ये कर लेना, उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, भौतिक का एक प्रसिद्ध, मतलब हमने ये पूरा नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा, यहाँ से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इसलिए आप लोगों के लिए अलग से ऐसी PDF बनाइए तो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, हल्का सा बड़ा हो गया, प्रॉब्लम नहीं लेना, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग आराम से, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाऊँगा, और यहाँ से ये लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है, ये नहीं है शायद तक, इसके अगला वाला है थोड़ा बड़ा, हाँ ये थर्ड वाला, ओ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ लिखा है आवर्त, मतलब आंसर देखना माना के बाद, एक सेकंड मैं पेंसिल वाला कर लूँ क्या, नहीं तो रहने देते हैं, माना आवर्तकाल टी प्रोपोर्शनल प्रभावकारी लंबन एल, फिर ए, फिर इधर टी प्रोपोर्शनल गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर इधर पे एन, ठीक है,
और प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉरी बी लिखा है, बी एन क्या बी, और इधर पे टी प्रोपोर्शनल एल ए और जी बी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इधर पे ये लिखा है टी बराबर के एल ए जी बी, फिर बीमाहीन राशि स्थिरांक, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ लैंग्वेज में लिखवाया गया है आप लोगों के लिए, आराम से लिख लीजिए। फिर इधर पे तुलना करनी है, तो यहाँ पे अपन ने तुलना कर दी, ओके। और वीडियो हल्की सी बड़ी हो जाएगी, 6 मिनट अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और यहाँ पे अपना क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिर आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विमाएँ विश्लेषण की सीमाएँ बताइए। तो इस विधि से विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, त्रिकोणमिति चरथांकी लघु गुणतीय समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता है, केवल इससे केवल शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला लिख दिया है, s = ut + 1/2 at² जी गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक नियतांक रहता है। उसके बाद आ जाते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे, इस पर आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि ये निकल आया अपना 8.72 m² फिर आ जाता है सीट का आयतन, वो भी अपन को निकाल लेना है, ये मीटर 0.0855 m³ आ गया, ओके हाँ ठीक है। और यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन ये लिखा है पी बराबर a² / c1/2, मतलब समझ जाओगे ठीक है। फिर डेल्टा पी, इधर पे लिखा है पी बराबर a² b / c1/2, फिर आ जाते हैं इधर पे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 = 2, फिर ब्रैकेट डेल्टा ए अपॉन बी सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, फिर प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब तो समझ में आ गया ना, उधर पे जो दिख नहीं रहा होगा तो उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। फिर इधर पे 2 × 1 + 2% + 1/2 × 4, तो फिर ये हो जाएगा 2 × 2 + 2 + और इधर पे 2 × 2 = 4, ये 2 बचेगा = 6%, तो 6% का निकालेंगे 0.06। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, विमीय विश्लेषण का उपयोग भौतिक राशि मात्रा के मूल्य को इकाइयों की एक प्रणाली से इकाइयों की दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। भौतिक मात्रा की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगामी विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। आयामों के व्यंजकों का बीज गणितीय मात्रा के रूप में हेर फेर किया जा सकता है। तो गाइज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी और काफ़ी हेल्प मिली होगी। अब आ जाते हैं अपन लोग ये चैप्टर 3 तो कट गया है, 4 के सॉल्यूशन पे, तो वो आपको थोड़ी ये लिखा है समतल में गति, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग वो करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और व्लॉगिंग चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज। अभी रात के 3:30 बज गए हैं, आधा घंटा भी हो गया वीडियो शूट करते करते, क्योंकि 3-4 शॉट में वीडियो बनती है और लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं जब सुबह उठूँ 8:30 पे, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए प्लीज़, तब जाके मैं नई वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो पे 50 लाइक प्लीज़ कंप्लीट करा देना, ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।